गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। तो आज विक्रम कल सी नीरज कल सी सॉरी ब्रदर नीरज, इन सब हम चारों दोस्तों ने प्लान बनाया है देवी पिंडी ट्रैक जाने का। तो अभी हमें पता नहीं हम कहाँ रुकेंगे, डेस्टिनेशन कहाँ प्लान्ड है, मतलब फाइनल डेस्टिनेशन तो हमें पता ही है, पर मीन वेल मिड में रुकेंगे कहीं व्यू पॉइंट फोटो क्लिक करने के लिए, उसके बाद रुकेंगे नंदनी में पकोड़े खाने के लिए। पर मुझे पता है मैं इनको कहीं नहीं रुकने दूंगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है और हमें वहाँ पे जाना ही है। 3 किलोमीटर का ट्रैक है, काफ़ी अच्छा ट्रैक है, तो आपको सब नज़ारे दिखाते जाएंगे। मेरे चैनल का नाम है चिंच पोकली यूट्यूब, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। तो चलो रास्ते मिलते हैं, ठीक है, तब तक। सो अपनी अपनी बाइक लेके अब हम निकल दिए हैं अपने सफ़र देवी पिंडी ट्रैक के लिए। सुबह सुबह मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये लोग नहीं हैं क्योंकि ठंड उस दिन हो गई थी, मौसम बिगड़ गया था, पर ये एकदम से आ गए। फिर जब ये आ गए तो हमने सोचा यार अब चल ही पड़ते हैं। मैंने फैमिली को पहले ही बता दिया था, फिर हम निकल दिए हम सब अपनी अपनी बाइक्स लेके, टेंट लेके और खाने पीने का सामान जो हम रास्ते में खरीद लेंगे। सिद्धरा हॉस्पिटल पहुंच के वो देख रहे हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन वालों की ट्रेनिंग होती है। तो अभी हम सिद्धरा पहुंच गए हैं, थोड़ी ही देर में हम नगरोटा रोड पकड़ लेंगे। अभी ये पुल आगे काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, यहाँ पे हमने अपनी कुछ वीडियोस रील्स भी बना ली थी। अभी दोस्त आगे कर दीजिए, तो यहाँ से अभी ना दो रास्ते आते हैं, लेफ्ट आता है सिटी के लिए और राइट जाता है कटरा जिस तरफ हमने जाना है। हमने राइट टर्न ले लिया और अब चल दिया अपने मंजिल की तरफ। सो अभी मुझे पता है कि मेरी बाइक में तेल कम है, तो सबसे पहले मैं यही करूँगा, ऑयल डलवाऊँगा। पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल पहुँच गए हैं, यहाँ पे पेट्रोल डलवाएंगे। पर क्या हुआ कि मैम से मिले, उन्होंने मुझे बोला कि मुझे भी ऐड कर देना, तो मैंने उनको ऐड कर दिया है इस वीडियो में। सो कभी भी आप कहीं देख रहे हैं तो देख ली, मैंने आपको ऐड कर दिया। सो ऑयल टंकी फुल करवाने के बाद अब वक्त है आगे की यात्रा करने का। थोड़ी देर में हम व्यू पॉइंट पहुंच जाएंगे। व्यू पॉइंट हम पहुंच गए। सो वी हैव रीच्ड दिस व्यू पॉइंट। यहाँ पे जब मेरा पहला था ट्रिप टू रियासी सोलो ट्रिप, मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था। तो मैंने आगे था कि मैं यूट्यूब चैनल चिंच पोकली से, सब देख सकते हैं प्ले लिस्ट में, नीचे मैं लिंक दे दूँगा। सो यहाँ नज़ारा काफ़ी अच्छा है। पहले यहाँ पे ना बहुत कुछ लग गया था वेंडर जोन, बस अब नो वेंडर जोन, स्टिल एक दुकान वाला, उनसे डर भी लगता है पर ये प्यारे भी हैं, सो इट्स बेटर टू इग्नोर। अभी यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है, यहाँ से निकलेंगे। अब अगला प्लान है कि डेस्टिनेशन पे जाके ही रुकेंगे थोड़ा, तो निकलते हैं यहाँ से। सो अब हम चल दिए हैं यहाँ से, आगे बन टोल प्लाजा आ जाएगा जो ऑब्वियसली बाइक वाले थग लाइफ से जाएंगे, बाइक वालों के लिए टोल प्लाजा नहीं है। सो निकल दिए हैं ऐसे टोल प्लाजा, यहाँ गाड़ियों के लिए है 165 जो लोअर मोटर व्हीकल हैं। अब आगे टनल स्टार्ट होने वाले हैं, यहाँ पे बड़ी सारी खूबसूरत टनल बनी हैं। ये हाईवे पहले इतना अच्छा नहीं था, पर अब ये हाईवे काफ़ी ज़्यादा सुंदर बन गया हुआ है। अब हम आपको पुल के ऊपर से ना वो नज़ारे दिखाएंगे जब हम इसको 360 डिग्री घुमाएंगे। ज़्यादा तो नहीं घुमा पाए क्योंकि हम ऑब्वियसली अपनी हेलमेट ज़्यादा नहीं घुमा सकते थे, पर जितना भी हम घुमा पाए आप सुंदरता नज़ारा देख सकते हैं, मौसम भी देख पा रहे हैं आप कितना अच्छा है। सो अब हम टनल के अंदर घुस रहे हैं NHAI। अभी हमें वहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है।
फ्राइड मोमोज पैक करवा रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ के मोमोज बहुत फेमस हैं, जिसे हम मोमोज पैक करा, कोई भी यहाँ पे आएगा देवी पिंडी में पता नहीं पक्का रुक के मोमोज खा के जाना, इज द बेस्ट मोमोज ब्रदर कैफेटेरिया। यार अभी तो ऑन की थी मैंने, सही बता क्या ट्रैक है ये हमारा। ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है, रास्ता देखिए क्या होगा, बट मज़ा इसमें क्योंकि अगर कुछ करना है लाइफ में तो कुछ होना चाहिए। अभी आगे बैठ के कहीं मोमोज खाएंगे, अभी नहीं पता सिचुएशन के हिसाब से नहाएंगे कि नहीं नहाएंगे, बट टू बी ऑनेस्ट ठंड लगना स्टार्ट हो गई है। अरे अभी मैं चलाया ही नहीं नेट यार, रुक अभी करता हूँ, पहले यहीं रुक, चलो अभी बहुत सफर बाकी है यार, तो शूट नहीं हुआ क्या है, किस बात की खुशी है, किस बात की खुशी है, किसी की खुशी है, भाई का रिश्ता, भाई मुबारक है, मिसेस सिंह घर आ रही है, अरे मेरे भाई का रिश्ता हो गया बोल रहे इतना। देखो अभी अभी हमें गुड न्यूज मिली है कि ये हमारा एक वन ऑफ आवर फ्रेंड्स नीरज, हाँ ये देखिए ये, इसको अभी अभी न्यूज मिली है कि रिश्ता पक्का हो गया है, वाह इसका अगले अभी मतलब आज डेट और कल ना कल इसका डब्बा लेना है, ये तो खुशी की बात होगी सच में, आज पार्टी ये सारा ट्रिप इसी ने स्पॉन्सर कर दिया है, बढ़ गए